A very special good morning to all of you. स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में. आज मैं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ. तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उन सभी क्वेश्चंस के आंसर बताने वाला हूँ जो कि मैंने लास्ट वन वीक में आप लोगों से पूछे थे, और साथ ही साथ ये भी बताऊँगा कि यहाँ पर किस स्टूडेंट ने यहाँ पर सभी क्वेश्चन के आंसर करेक्ट दिए हुए हैं. तो वीडियो के लास्ट में मैं उन स्टूडेंट्स का नाम लूँगा जिन्होंने सभी क्वेश्चन के आंसर मुझे करेक्ट बताए हैं और कमेंट करके बताए हैं. ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जिन स्टूडेंट्स ने पे कमेंट करके आंसर दिया मैं उन्हीं का नाम यहां पे ले पाऊंगा, क्योंकि जो स्टूडेंट कमेंट करके आंसर नहीं बताते तो मुझे नहीं पता चल पाता कि हां उन्होंने करेक्ट आंसर दिया है या फिर नहीं दिया है. तो मैं जब भी अब आगे से आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना है, ताकि मैं आपका नाम जान पाऊं कि हां इस स्टूडेंट ने यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया हुआ है. ठीक है, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस मिले सबसे पहले. तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज दोपहर में मैं आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज का पार्ट 4 अपलोड करूंगा अपने नए चैनल स्टडी विद मान पर. तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे नए चैनल स्टडी विद मान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों से क्या पूछा हुआ था. तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों से पूछा था. क्वेश्चन था कि किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है. ठीक है, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है. तो इसका आंसर बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कितने लोगों ने यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया हुआ है. तो करीब 20% लोगों ने ही इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया है और 80% लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर जो दिया है वो गलत दिया है. ठीक है, तो अब मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी टंगस्टन. यानी किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है, टंगस्टन का होता है. और टंगस्टन को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा. टंगस्टन की जगह आपको यहाँ पे W भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा. ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी टंगस्टन. ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है. तो इसका गलनांक होता कितना है यह भी मैं आपको बता देता हूं. कितना होता है, 3422 डिग्री सेल्सियस, यानी 3422 डिग्री सेल्सियस ये आपका होता है. फॉरेन हाइट में बोला जाए तो 6192. ठीक है, ये आपका फॉरेन हाइट में होता है, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है. तो इसीलिए आपका इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, टंगस्टन. तो मैं अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का नाम लूंगा जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके एकदम सही बताया हुआ है. ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं उन्हीं स्टूडेंट्स का नाम यहाँ पे ले पाऊंगा जो कमेंट करके आंसर बताते हैं. तो सबसे पहला नाम किसका है, तो सबसे पहला नाम है जिज्ञासा भारती जी का, उसके बाद है राहुल कुमार जी, फिर ताहिरा अंसारी जी, पलक गुप्ता जी, राम विलास चौरसिया जी, मुकेश शर्मा जी, अंजलि सिंह जी, सुपरस्टार आरडीएस यश कुमार जी, कामता कौशल जी, विपिन मौर्या जी, मोहम्मद साकिब सैफी जी, सुनील कुमार जी, मनीष गौतम जी, हरिकेश यादव जी, अमित यादव, सुशील कुमार चौधरी जी, सत्यम, पवन यादव जी, आशीष द्विवेदी, पीआर स्टडी पॉइंट, नितिन कुमार प्रजापति जी और सिद्धनाथ तिवारी जी. तो इतने लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताया है और एकदम सही बताया है. तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी टंगस्टन. ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा हुआ था यहाँ पे, तो दूसरा क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपसे पूछा था कि प्रकाश की चाल का मान सबसे अधिक होता है. ठीक है, प्रकाश की चाल का मान सबसे अधिक होता है, यहाँ पे चार ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं. तो इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोगों ने ये सही बताया ये मैं आपको पहले बता देता हूँ. तो 90% लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर जो बताया है वो सही है, केवल 10% लोग इस क्वेश्चन का आंसर सही नहीं दे पाए और सभी ने यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया हुआ है. तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी निर्वात में. प्रकाश की चाल का मान सबसे अधिक होता है वैक्यूम में, यानी निर्वात में. तो चाल का मान कितना होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ. कितना होता है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है. ठीक है, आपको ध्यान रखना कितना होता है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड ये आपका होता है प्रकाश की
चाल का मान वैक्यूम में यानी निर्वात में, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंने आपको बताया हुआ था जब चैप्टर पढ़ाया था आपको, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया हुआ है। मैं अब यहाँ पे कुछ लोगों के नाम ले लेता हूँ जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके एकदम सही बताया है। तो सबसे पहला नाम किसका है, तो सबसे पहला नाम है अरुण यादव जी का, फिर राहुल सहानी जी ने, रोहित गुप्ता जी ने, सूरज कुमार, अक्षिता सिंह जी ने, अमित मुस्कान जी ने, जहीर अहमद अंसारी जी ने, पूजा पांडे जी ने, ताहिरा अंसारी जी ने, सौम्या पांडे जी ने, हरिकेश यादव जी ने, आलोक कुमार जी ने, मुकेश शर्मा जी ने, पलक गुप्ता जी ने, नेहा सिंह जी ने, विकास गुप्ता, आशीष द्विवेदी, अंजना सोनकर, मनीष गौतम, संदीप चौहान जी ने, यश कुमार जी ने, भारत कश्यप जी ने, मुन्ना कुमार गुप्ता, नितेश कुमार जी ने, मोहम्मद सोएब जी ने, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार जी ने, अभय महतो, ब्रजेश पाल, जिज्ञासा भारती जी ने, रविंद्र चौहान जी ने, बलवान सिंह जी ने, नीतीश कुमार प्रजापति जी ने, सिद्धिनाथ तिवारी जी ने, अमित यादव जी ने, राहुल कुमार जी ने, सुशील कुमार जी ने यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया हुआ है। इसके अलावा कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया हुआ है, अजीत कुमार जी ने, आकाश चौहान जी ने, तो इतने लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है। तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पे कमेंट करके आंसर बताया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे सभी का नाम एक तरफ से बता दिया जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। और जिन लोगों ने कमेंट करके आंसर नहीं बताया तो मुझे नहीं मालूम कि कितने लोगों ने यहाँ पे सही बताया हुआ। तो जितने लोगों ने यहाँ पे कमेंट करके बताया था मैंने उनका नाम यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट में अभी मैं आपको बताऊंगा कि किन स्टूडेंट्स ने यहां पे सभी क्वेश्चन के आंसर करेक्ट दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी निर्वात में, ठीक है। ये आपको यहां पे ध्यान रखना है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपका है। यहां पे आपका क्वेश्चन है कि एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इस बार के एंट्रेंस एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए और यहां पे आपको चार ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पे ये बता दूं कि इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोगों ने सही दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं मात्र 15% लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया है और सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है, गलत दिया है, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं था। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था इलेक्ट्रिक करंट वाला, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था लेकिन लोगों ने लगता ध्यान नहीं दिया। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 0 होता है, ठीक है। तो मात्र 15% लोगों ने यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया हुआ है। तो मैं अब कुछ लोगों के नाम ले लेता हूं जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया हुआ है। तो सबसे पहला नाम किसका है, तो सबसे पहला नाम है राहुल कुमार जी का, फिर उसके बाद नितेश कुमार जी ने, प्राची सिंह जी ने, राम विलास चौरसिया जी ने, पलक गुप्ता जी ने, मोहम्मद साकिब सैफी जी ने, ताहिरा अंसारी जी ने, सूरज कुमार, मुकेश शर्मा जी ने, दीपक यादव जी ने, सुनील कुमार जी ने, सौम्या पांडे जी ने, आशीष द्विवेदी जी ने, अमित यादव जी ने, आशीष मौर्य जी ने, विनय शुक्ला जी ने, सिद्धिनाथ तिवारी जी ने, अजमल खान जी ने, मोहम्मद सोएब जी ने और अमित सरोज और ब्रजेश पाल जी ने, इतने लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके एकदम सही बताया हुआ है। तो इतने लोगों को ये क्वेश्चन पता था और उन्होंने सही बताया तो अच्छी बात है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर गलत दिया है तो इसको अच्छे से प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा। कितना होता है, 0 होता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आपका कौन सा था जो मैंने आपसे यहाँ पे पूछा हुआ था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन था जो कि लास्ट मैंने आपसे पूछा हुआ है। तो यहां पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, और इससे पहले जो ऊपर मैंने आपसे पूछा था यहां पे एमीटर का पूछा था, क्या पूछा था, ये एमीटर का है। और जो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपसे यहां पे पूछा, यहां पे मैंने आपसे पूछा था कि आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। और यहां पे भी आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कितने लोगों ने यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया था। तो मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर जो दिया था ये करेक्ट दिया था। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी यानी अनंत, ठीक है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? अनंत होना चाहिए। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे उन स्टूडेंट्स का नाम बता देता हूँ जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर एकदम करेक्ट दिया है कमेंट करके। तो सबसे पहला नाम है सौम्या पांडे जी का, फिर उसके बाद है ताहिर अंसारी जी, फिर अमित मुस्कान जी, राम विलास चौरसिया जी ने, शशि सिंह जी ने, ब्रजेश पाल जी ने, सिद्धनाथ तिवारी जी ने, इस्ताक रियानी जी और शिवशंकर, यश कुमार जी ने, पवन यादव जी ने, गुलशन कुमार जी ने, अंकित कुमार जी ने, राहुल कुमार जी ने, अमित पाल जी ने, मनीष चौधरी जी ने, साकिब सैफी यानी मोहम्मद साकिब सैफी जी ने, गौतम कुमार जी ने, जहीर अहमद अंसारी जी ने, विकास जी ने, विकास गुप्ता जी ने, मनीष गौतम जी ने और हसन खान जी ने, अजीत कुमार जी ने। इतने लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर जो दिया है करेक्ट दिया है, ठीक है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, अनंत होगा, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपसे टोटल 4 क्वेश्चन पूछे हुए थे, काफ़ी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे कमेंट करके आंसर बताया हुआ है। तो अब मैं आपको कुछ स्टूडेंट्स के नाम बता देता हूँ जिन्होंने सभी क्वेश्चन के आंसर लगभग करेक्ट दिए हुए थे, ठीक है। तो सबसे पहला नाम किसका है? तो सबसे पहला नाम है राहुल कुमार जी का, ठीक है। राहुल कुमार जी ने सभी क्वेश्चन के आंसर करेक्ट दिए हुए, तो राहुल कुमार जी ने सभी क्वेश्चन के आंसर करेक्ट दिए। इसके बाद है पलक गुप्ता जी, पलक गुप्ता जी ने भी सभी क्वेश्चन के आंसर यहां पे करेक्ट दिए हुए हैं। फिर इसके बाद है राम विलास चौरसिया जी ने, इन्होंने भी सभी क्वेश्चन के आंसर करेक्ट दिए। उसके बाद है मुकेश शर्मा जी ने, तो मुकेश शर्मा जी ने भी सभी क्वेश्चन के आंसर करेक्ट दिए हुए। इसके बाद है नितेश कुमार, यानी नितेश कुमार जी ने भी सभी क्वेश्चन के आंसर करेक्ट दिए हैं। फिर इसके बाद है मोहम्मद साकिब सैफी जी, तो इन्होंने भी सभी क्वेश्चन के आंसर करेक्ट दिए हैं। फिर इसके बाद है ताहिरा अंसारी जी, फिर सुनील कुमार जी, सौम्या पांडे जी ने भी लगभग सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे सही दिए हुए थे। मनीष गौतम जी ने भी क्वेश्चन के आंसर करेक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। आशीष द्विवेदी जी, अमित यादव जी, सिद्धिनाथ तिवारी जी, तो सिद्धिनाथ तिवारी जी ने भी यहाँ पे कई क्वेश्चन के आंसर करेक्ट दिए हुए थे। ब्रजेश पाल जी ने भी यहाँ पे कई क्वेश्चन के आंसर करेक्ट दिए थे। इसके अलावा दीपक यादव और संदीप चौहान, तो कई लोगों ने यहाँ पे सभी क्वेश्चन के आंसर करेक्ट दिए हुए थे। तो ये अच्छी बात है कि इन लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और उनको इन क्वेश्चन के आंसर पता थे, ठीक है। तो मैं आगे भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा करूंगा, लेकिन बस आपको इतनी बात ध्यान देने कि जब भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आप मुझे कमेंट करके यहाँ पे आंसर बताएं, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे नितेश कुमार जी ने, रामविलास चौरसिया जी ने, राहुल कुमार जी ने, पलक गुप्ता जी ने, मुकेश शर्मा जी ने, मोहम्मद साकिब सैफी जी ने, ताहिरा अंसारी जी ने, सुनील कुमार, सौम्या पांडे जी ने, मनीष गौतम जी ने, आशीष द्विवेदी जी ने, अमित यादव जी ने, सिद्धनाथ तिवारी जी ने, ब्रजेश पाल जी ने, संदीप चौहान जी ने, तो इतने लोग ऐसे हैं, और दीपक यादव जिन्होंने सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं। तो अच्छी बात है, इन लोगों को क्वेश्चन के आंसर आ रहे थे। तो मैं आगे भी आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा करूंगा बस। तो मैंने आपको क्या बताया कि आपको सिर्फ कमेंट करके यहाँ पे आंसर बताना, ये आप ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछने से ये पता चल जाता है कि यहाँ पे कितने लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस भी हो जाती है, ठीक है। तो मैं आपसे अक्सर वही क्वेश्चन पूछता हूँ जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है और ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं वो चैप्टर के बीच में से बन जाते हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, मैंने आपसे पूछा था कि एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन जो आपका है ये चैप्टर के बीच में से बन जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये आपको बुक में एक्सरसाइज में देखने को नहीं मिलेगा, ये चैप्टर के बीच में से आपका क्वेश्चन बन जाता है, आपसे पूछ भी लिया जाएगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि चैप्टर के बीच में से आपसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और रही बात चौथे क्वेश्चन की, तो ये भी आपका चैप्टर के बीच में से ये क्वेश्चन आपका बना हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम लोगों ने यहां पे करेक्ट दिया हुआ था। तो मैं आगे भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।